जैसे उड़ानों को अंबर की जरूरत है, इच्छाओं को सबर की जरूरत है, लक्ष्य को सही डगर की जरूरत है, ठीक वैसे ही हर सपने को बस एक अवसर की जरूरत है, एक अवसर की जरूरत। वो अवसर जो कोशिशों की जीत है, तानों की हार है, वो अवसर जो मन का विश्वास है, मेहनत का श्रृंगार है, वो अवसर जिसका नाम प्ले लॉन्ग स्पेशल तेज तरार शुक्रवार है, तेज तरार शुक्रवार। तो देवियों सज्जनों, ये शुक्रवार तेज तरार इसलिए है क्योंकि जितनी तेजी से बुलेट ट्रेन नहीं चलती है, जितनी तेजी से बुमराह की गेंद नहीं पड़ती है, उससे कहीं ज्यादा तेजी से यहां पर घर की सीट हॉट सीट बन जाती है। इस दौर की शुरुआत में हमने घर बैठी जनता से वादा किया था कि उनके घर की सीट भी एकदम हॉट सीट बन सकती है, तो घर बैठी जनता ने हमारी बात को माना, सराहा और बड़ी उत्सुकता के साथ लाखों लोगों ने केबीसी प्ले लॉन्ग खेला। आज हमारे कंप्यूटर जी यानी ज्ञाननाथ जी ने 10 ऐसे खिलाड़ियों को यहाँ चुना हुआ जो आज हमारे साथ यहाँ पर विराजमान है और ये हमारे साथ खेलेंगे प्ले लॉन्ग स्पेशल। देवियों सज्जनों, ये हमारे 10 खिलाड़ी बड़ी मेहनत के बाद सब कुछ छोड़ छाड़ के आज यहाँ पहुँचे हैं। आप सिलेक्ट हो चुके हैं प्ले लॉन्ग के एपिसोड के लिए। सिलेक्ट हो गए कल आने के लिए। सही में? केबीसी से कॉल आया और एक ही रात में और जो लाइफ है पूरा चेंज हो गया। कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है, ऐसा लग रहा है कि कुछ तो मैजिक हुआ है। पिछले 22 घंटे से तो पूरा केबीसी केबीसी ही चल रहा है, एक मिनट का भी सांस लेने की फुर्सत नहीं, पूरा एक्साइटमेंट। पैकिंग नहीं उसे कहेंगे, भर लिया कपड़ों को और बस रेडी होके आ गए। कहते हैं ना कि जब आप किसी चीज को चाहते हैं तो पूरी कायनात आपके साथ हो जाती है, वो डायलॉग मेरे लिए बिल्कुल यहाँ पे सटीक बैठता है। एक्साइटमेंट अभी भी दिख नहीं रहा है, बट देन अंदर से यू फील वाओ। सुबह से एक ना भूख लग रही है ना प्यास लग रही है, पता नहीं शायद बैठा भी नहीं हो, बस सबसे कोशिश कर रहा हूँ कि जल्दी से जल्दी स्टेज पे पहुंचे। अभी FFF खेलने के लिए आई एम फुल्ली प्रिपेयर्ड, आई विल ट्राई टू गिव माय बेस्ट एंड 100%। जोरदार तालियों के साथ उनका हम चाहते हैं कि स्वागत किया जाए। वेलकम। सबसे पहले स्वागत कीजिए उनका जो अपने ऑफिस के कंप्यूटर को छोड़ के हमारे कंप्यूटर जी से मिलने आए हैं, सत्य नारायणा सुबराया। ये एक बैंकर है और ये बेंगलुरु कर्नाटक से हैं। अब बारी है उनकी, जिन्होंने केबीसी के कॉन्फर्मेशन कॉल को फ्रॉड कॉल समझ लिया था। सोनाली सुरेश पारदी जी, ये एक असिस्टेंट टीचर है और पौनी महाराज से हैं। अब मिलते हैं उनसे जिनकी केबीसी ने जोड़ी बना दी, सीतू साहू जी। ये एक सोशल वर्कर है और दुर्ग 36 वर्ष से है। अब स्वागत किया जाए उनका, जिन्होंने रात के 11 बजे अपने बॉस को नींद से उठा करके केबीसी पर आने के लिए छुट्टी मांगी है। कुमार कोविद, ये जर्नलिस्ट है और पूर्णिया बिहार से है और आज अपने बच्चों को स्कूल बस में बैठाकर खुद फ्लाइट से बैठ कर आ गई है यहाँ। प्रीति दीक्षित जी, ये एक होम मेकर है और कानपुर उत्तर प्रदेश से है। और अब मिलते हैं कुलदीप शर्मा जी से, ये एक फ्रीलांस प्रूफ रीडर है और मेरठ उत्तर प्रदेश से है। और जोरदार तालियां बज जाए, स्वागत किया जाए डॉक्टर नसरीन भारती का, ये प्रिंसिपल स्पेशलिस्ट जनरल सर्जन है और जयपुर राजस्थान से है। और अब मिलते हैं उनसे जो केबीसी की इंसाइक्लोपीडिया है, स्वागत किया जाए देवांग जोशी का, ये एक बैंक में डेटा बेस एडमिनिस्ट्रेटर है और अहमदाबाद गुजरात से है। अब मिलिए उनसे जो आज अपनी बहन के घर की शिफ्टिंग छोड़कर
खुद यहाँ शिफ्ट हो गए हैं। समीर शाह उनका नाम है, ये ट्रेडिंग कंपनी में सीनियर मैनेजर है और ठाणे महाराष्ट्र से हैं। और अंत में देवियों समझे स्वागत किया जाए उनका, जिन्हें आज आंध्र प्रदेश में होना था लेकिन यहाँ हॉट सीट की रेस में बैठे हुए हैं। साई आकाश उनका नाम है, ये एक बैंकर है और बेंगलुरु कर्नाटक से। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। तो देवियों समझो, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये सब कुछ इतनी तेजी से और अचानक हुआ है कि हमारे साथ जितने भी कंटेस्टेंट बैठे हैं आज यहाँ, उन्हें खुद यकीन नहीं हो रहा कि वो यहाँ आ गए। सही कह रहे हैं कि नहीं हम, है ना? अच्छा, मैं अपने दर्शकों को बता दूं, बहुत से लोगों ने इसके ऊपर गाली गलौज भी शुरू कर दिया। जब गया ना कॉल यहाँ से, मैंने कहा अरे जा झूठ बोल रहे हो, तो हम नहीं हैं। किसी ने कहा हम आपके ऊपर केस कर देंगे, देखिए आप गलत जगह हमको ले जा रहे हैं। लेकिन सब बच गए, ना किसी ने केस किया है, इनमें से किसी ने ना गाली दी है, सभी यहाँ खेल खेलने आए हैं। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का एक बार फिर। ऑल द बेस्ट टू यू। बिल्कुल ध्यान से खेलिएगा, क्योंकि आपको ये मौका जो है जिंदगी में सिर्फ एक ही बार मिलेगा, इसलिए सोच समझ करके आप अपना फैसला लीजिएगा। ऑलराइट।